अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था दैट ये जो सेंट बर्नार्ड्स के पपी है मेरे पास, इनकी एक स्टोरी है और इसी वीडियो में मैं इनकी स्टोरी बताने वाला हूँ। एक्चुअली जिन ब्रीडर भाई साहब के पास ये थे उनका मेरे को कॉल आया, पर्सनली मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा ना लोकेशन बताऊंगा, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि कोई ट्रेजेडी में फंसे हुए थे, उनकी कोई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था एंड वो चाहते थे कि मैं यूट्यूब पे इनका वीडियो डालूं ताकि इनको हम सेल कर सकें, आप लोगों तक भेज सकें, पर उनको थोड़ा अर्जेंट था। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, ब्रीडर्स कई ऐसे हो गए हैं कि जिनसे फैमिली टाइप रिलेशन हो चुके हैं और उनको मैं मना नहीं कर पाया, तो उसी दिन जाकर मैं ये वाले बच्चे उनसे ले आया एंड ऑब्वियसली मैंने इसका प्राइस दिया है इनका, तो मैंने कहा मैं खुद पाल लूंगा इन्हें एंड यूट्यूब पे हम इनकी वीडियो बना देंगे एंड अगर यहाँ पे कोई डिजर्विंग होम हमें लगे तो हम उनको दे देंगे। बट अब ये वीडियो इसी के लिए मैं आप आगे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज ये पपीज जब मेरे पास आए थे तो ये लोग 35 डेज के अप्रॉक्सीमेटली थे और आज ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज के हो गए। उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मुझे पता था 35 से 40 डेज का बच्चा हम लोग नहीं देते किसी को, ना ही देना चाहते हैं। सो इनको थोड़ा पाल पोस के हमने बड़ा किया, मन तो बहुत लग गया इनके साथ। ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा प्लेफुल बच्चे हैं एंड अब हैं हमारी फैमिली जैसे, अभी पीछे आप देख सकते हो ये हमारे सारे बच्चे ही हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं गार्डन में, तो इन लोगों के साथ भी ऐसा फैमिली टाइप बिहेवियर हमारा हो चुका है। बट हाँ, अब ये सेंट बर्नार्ड के पपीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ मैं। 45 से 50 डेज के बीच में इनकी एज है, फर्स्ट वैक्सीनेशन 7 in 1 की मैंने लगवा दी है इनको। सो ये एक फीमेल है एंड व्हाइट कलर में इनके ऊपर ब्लैक पैचेस है। इसके एक पैटर्न जो मेरे को सबसे फेवरेट लगता है वो ये दैट इनका फेस पूरा व्हाइट है और इनके जो कान है वो पूरे ब्लैक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट हर एंड इसका पीछे एक व्हाइट व्हाइट के ऊपर ब्लैक पैच है एंड टेल इसका ब्लैक एंड व्हाइट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैवी बोन बच्चा है एंड हैवी बोन फीमेल है। फॉर सम पीपल जो यहाँ पे थोड़ा ठंडे इलाकों में रहते हैं, थोड़ा नॉर्दर्न साइड पे रहते हैं या बैंगलोर वाली साइड पे रहते हैं, उनके लिए ये पपी बहुत ज़्यादा डिजायर्ड हो सकता है। बट अगर सेंट बर्नार्ड आप लोगों को रखना है एंड आप लोग रहते हैं थोड़े गर्मी वाले माहौल में या आप लोग जैसे पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान कहीं रहते हैं, बट आपको भी सेंट बर्नार्ड जैसे बच्चे पालने हैं, तो मैं आपको शॉर्ट कोट का जो दूसरा फीमेल हमारे हमसे लेकर आए थे, लाइए ये लीजिए, जो शॉर्ट कोट का हमारे पास बच्चा है उसका मैं नाम दिखाता हूँ। इसका नाम हमने कुकी रखा है, बाय द वे उसका नाम हमने ओरियो रखा है। तो ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। लोगों को लगता है सेंट बर्नार्ड बहुत डेंजरस ब्रीड है, ऐसा कुछ नहीं है। टेडी बियर्स होते हैं ये लोग, आपके लिए गार्डिंग भी करेंगे एंड आपके बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा खेलेंगे एंड प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए प्यार की तो मतलब लिटरली सीमा ही नहीं है, चलो वो तो हर एक कुत्ता करता ही है। एंड ये शॉर्ट कोट का बच्चा है एंड शॉर्ट कोट एंड लॉन्ग कोट होता है बाय द वे। यस, मेरे को भी थोड़ा पहले लगा था सेंट बर्नार्ड में शॉर्ट कोट लॉन्ग कोट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट यस इट हैपेंस एंड मेरे सामने एग्जांपल और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बच्चा है विद पैचेस, बेस कलर इसका भी व्हाइट ही है एंड यहाँ इसके आंखों के ऊपर ब्लैक पैचेस हैं, कान इसके ब्राउन एंड ब्लैक है और पीठ इसकी पूरी की पूरी ब्राउन है एंड टेल एंड इसका व्हाइट कलर का। ये भी फीमेल ही है। अब सेंट बर्नार्ड के बच्चे तो आप लोगों को लगा था भाई साहब बहुत महंगी ब्रीड है क्योंकि रेयर ब्रीड है, पर जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है, आपको पता है हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए मैं विद इन बजट यहाँ पे पपीज लेकर आता हूँ सारे के सारे। लाइए इधर दीजिए, ओरियो ओरियो कुकी, ये कुकी, ये ओरियो है, ये कुकी है, बिकॉज इसका कलर थोड़ा ओरियो जैसा है, इसका कलर कुकी जैसा है, इसलिए हमने इनके ये नाम रखे हैं। सो अब ये दोनों बच्चे मैं जितने प्राइस पे उनसे लेकर आया था ब्रीडर भाई साहब से, उतने ही प्राइस पे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। हाँ, मैंने इनको पेडिग्री प्रो खिलाई है स्टार्टर फीड, मैंने इनको सेरेलैक भी दिया है, मैंने इनकी वैक्सीनेशन भी कराई है, बट इट डजेंट मैटर, मैंने उनको प्यार भी बहुत किया और इनसे प्यार लिया भी बहुत है, तो मेरी वो कीमत वसूली जा चुकी है। सो अगर आप लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट ये वाले बच्चे चाहिए तो आप लोग मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं नंबर दे रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं अपना नंबर यहाँ रिवील कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे को रात को सोने देना, मेरे को 11 बजे के बाद कॉल मत करना, पर हाँ आप लोग बेझिझक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा। एंड अगर इन बच्चों की पेडिग्री में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ओवर व्हाट्सएप ही शेयर करूंगा वो वाली चीज़। एंड इन बच्चों का जो प्राइस है वो मैंने हमारी ओरियो जी का उनको दिया था 12,000 और ये हमारी कुकी जी का मैंने उनको दिया था 10,000, बिकॉज शॉर्ट कोट एंड लॉन्ग कोट में थोड़ा सा फर्क होता है जैसे GST में होता है, दैट्स इट। एंड मैं ये सेम प्राइस पे ही आप लोगों को ये वाली चीज़ दे दूंगा। अगर आप लोग पंजाब आ सकते हैं, जलंधर आ सकते हैं,
तो वेरी वेरी नाइस, आप लोग यहाँ पे मेरे पास रहिए, इनके साथ खेलिए, इनको पसंद कीजिए, अपने साथ लेकर जाइए, दैट वुड बी अमेजिंग। बट हाँ, अगर आप लोग कहीं दूर रह रहे हैं, यानी कि पंजाब से कहीं दूर रह रहे हैं, तो मैं अपने किसी ब्रीडर भाई साहब से रिक्वेस्ट करके इनको आपके पास डिलीवर भी करवा दूंगा। एंड हो सकता है, मेरा बहुत मन है वैसे कि अगर यहाँ ऐसा कुछ लाइक आप लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, यूपी महाराष्ट्र लाइक मिड ऑफ इंडिया की साइड पे, तो हो सकता है मैं खुद भी आ जाऊँ देने के लिए, बिकॉज मैंने एक ब्लॉग शूट करना है कि एक जर्नी क्या होती है, एंड मैं खुद भी देखना चाहता हूँ बिफोर द सीजन कि पप्पीज कितना ज्यादा सफर करते हैं, अगर सफर हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाले सफर में, यानी कि अगर हम यहाँ पे जैसे बोलते तो हम कि ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है नहीं है, तो उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि पप्पीज क्या आराम से कंफर्टेबली जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। तो ये वाली चीज मैं खुद देखने के लिए, हो सकता है दैट इन लोगों की डिलीवरी खुद भी करने आऊं विद डेफिनेटली अ ब्रीडर जो इनके बारे में जानता है। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज लेट अस नो, बिकॉज ये वाले बच्चे नाउ आर रेडी टू कम टू योर होम एंड योर प्लेसेस एंड प्ले विद योर किड्स एंड फैमिली। ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं, हैवी बोन के बच्चे हैं, एंड बहुत बहुत फेयर प्राइस में मैंने उनसे लिया है और मैं आपको ही आगे दे रहा हूँ। सो कुछ इसमें सेल परचेज वाला एंगल नहीं है, बट आई जस्ट वांट सम पीपल जो इनको अडॉप्ट कर लें, अपने पास रखें और इनको उतना ही प्यार दें जितना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं और डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे को कॉल करो, मैं नंबर यहाँ पे भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू।